सूरज गाना जेवर या जंजीर के आने वाले पिसर नासों को देखने के लिए मिलेगा को फाइनली किसी न किसी तरीके से आयुष्मान के माँ को इस चीज के बारे में पता चल जाता है कि आलिया के जगह पे गाना का शादी आयुष्मान से हो रहा है और इस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं है। अब इसी की वजह से समय पाकर वो गाना को डायरेक्टली एक स्टोर रूम में ले जाती है और बिना कोई सोचे समझे बिना कोई जवाब सवाल किए डायरेक्टली गाना को इस वाले रूम के अंदर बंद करके चली आती है। ठीक है, दूसरी तरफ शक्ति सिंह आलिया का पीछा करते करते आयुष्मान के घर पर चला आता है और इसके बाद से वो आलिया के मम्मी से ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर गाना कहाँ पे है। बट काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद से भी आलिया का मम्मी इस चीज का कोई भी आंसर नहीं देती है। दूसरी तरफ गाना काफी ज्यादा ये कोशिश करती है कि किसी न किसी तरीके से वो आयुष्मान और आलिया का शादी रोकने के लिए इस वाले स्टोर रूम से बाहर निकल जाए। बट काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद से भी इस चीज में कामयाब नहीं हो पाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा कि थक हार कर शक्ति सिंह एक बहुत बड़ा राज को खोल देगा कि गाना और आयुष्मान का पकड़वा शादी कराने के पीछे और कोई का नहीं बल्कि आलिया का है, मम्मी का ही हाथ है। और इसके बाद से मेरे ख्याल से आने वाले एपिसोड में ऐसा हो सकता है कि ये चीज जैसे ही सभी लोग के सामने आए तो काफी ज्यादा आलिया के मम्मी पे भड़क जाए और उसे बुरा भला कहने की कोशिश करे और इस तरीके से आलिया का शादी पूरी तरीके से टूट जाए। ठीक है, तो फिर आप क्या चाहते हो, आलिया और आयुष्मान का शादी होना चाहिए या फिर गाना और आयुष्मान का शादी होना चाहिए? कमेंट करके बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ जल्द ही, बाय।